ज्ञान की नगरी चैनल में इस वक्त सब दोस्तों का आओ दोस्तों अज एक नवी साखी की सांझ पाईए। अज की जो साखी हर एक दिल खास है इस साखी दे विच ये दस्या जाएगा कि आप सारे उस खुदा के दीदार करन दे लई तड़फदे हाँ, पर खुदा किन्हां दे लई तड़फदा है? असल दीदार किन्हां नूं हुंदे हन? असल दर्शन वह मालिक के किहड़ियां रूहां हुंदे हन? ये अज की साखी दे विच आप जी दे नाल गल सांझी कीती जाएगी। तो आओ अज की साखी शुरू करिए। कहिंदे एक बादशाह सी जिस दे कोई औलाद नहीं सी। उसने एक सत मंजिला महल बनाया, मकान बनाया ते अपनी सारी दौलत इन्हां मंजिलों दे विच रख दित्ती। उसने पहली मंजिल ते कौडियां रख दित्तियां, फिर दूसरी मंजिल उत्ते पैसे रख दित्ते, तीसरी मंजिल ते रुपये रख दित्ते, चौथी मंजिल दे उत्ते मोहरां रख दित्तियां, पंजवीं मंजिल दे उत्ते मोती रख दित्ते, छेवीं मंजिल दे उत्ते हीरे जवाहरात रख दित्ते ते सत्तवीं मंजिल दे उपर आप बैठ गया। जदों ये सारा खेड रच लिया तो फिर पिंड दे विच एक होका दे दिता राजे ने कि जिन्हों जो चाहिए आके लै जाओ। हुण राजा देखना चाहता सी कि मेरे तक कौन पहुँचता। हुण जिनी जिनी सोच सी, जिनी जिनी समझ सी, एक कुछ व्यक्ति आए कौडियां दियां पंडा भर के तुर गए। तो कुछ व्यक्ति जो थोड़े जे सियाने सी उन्होंने अगे जाके पैसों दियां पंडा भर लईआं, ते कुछ जो होर थोड़े जे सियाने सी उन्होंने अगे जाके हीरे चक लै, रुपये चक लै। जो कुछ होर सियाने सी उन्होंने मोहरां चकियां। जो होर सियाने सीगे उन्होंने हीरे चके। तो एक व्यक्ति इदां दा सी, वो कहिंदा कि मैं थल्ले कुछ नहीं चकांगा। कोई मोहरां लई जांदा, कोई हीरे लई जांदा, कोई कौडियां लई जांदा, मैं तां सारे महलां दीआं इकल्ली इकल्ली मंजिल देखांगा, आखरी विच देखांगा जाके की है। तो वह जदों सारियां थल्लियां जिहड़ियां मंजिलां सी इहदे वल ध्यान ना दिंदा होया उपर चला गया। आखर विच जाके जदों पहुंचया तो उत्थे राजा आप बैठा सी। जद राजे ने देखिया तो राजा कहिंदा आ जा, मैं तैनूं उड़ीक रिहा सी। ते राजे ने उस कुर्सी ते जिथे आप बैठा सी उत्थे उठ्या। उत्थों उठ के ते अपने सिर दा ताज उन्हूं उत्थे बिठाल के उहदे सिर ते रख दित्ता। कहिंदा अज तों बाद राजा तू है, कि जो बाकी लोग ने उह तां थल्लियां चीज़ां दे विच फसे फिरदे ने, तू अपनी सोच नूं उच्ची रखिया ते मेरे तक पहुंचिया। इसे तरह आपणा की हुंदा है कि आपां कर्मकांडां दे विच फसे रहिंदे हां, बाहरी कर्म करते रहते हैं, जिहड़ा मालिक है वह अंदर है। तो कुछ लोग जिहड़े ने वह अपने घर परिवार के विच ही फसे रहते हैं, तो जिहड़े घर परिवार तो थोड़ा जिहा उपर उठते हैं वह जातां पातां दे विच फसे रहते हैं। जो जातां पातां दे विच फसे रहते हैं जिहड़े थोड़ा जिहा मालिक दे लागे ने वह होर थोड़ा जिहा नेड़े हो जाते हैं। तो जिहड़ा फिर सारा कुछ ही छड्ड के नौ दरवाजे का पर्दा खोल के अखां दे उपर चढ़दा, फिर वह उसनों फिर मात लोक दे विच वह अकाल पुरख के दीदार होंदे ने, उसनों फिर वह मालिक के दीदारे होंदे ने, जिहड़ा कि पार ब्रह्म तक पहुँच जाए, आखिरी मंजिल तक पहुँच जाए। पहुँचेगा तो जे किसी कामिल मुर्शिद लड़ लगा होगा, जे किसी गुरु वाले लड़ लगा होगा। आपां लोग की करते हैं, आपां निक्कियां निक्कियां गल्लां दे विच अपने आप नूं भटक जांदे हां, आपां क्रोध विच आ जांदे हां, आपां लालच विच आ जांदे हां। पर जो इन्हां सारियां गल्लां नूं छड़दा होया उपर जाएगा उहो ही फिर मालिक दे दीदार करेगा। तो आस करांगे आप जी नूं इस साखी दे विच कुछ ना कुछ पता लगा होगा। जल्द हाजिर होगा नवीं साखी दे नाल। तद तक लई हक मुर्शिद सच मुर्शिद।